नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में, जिसमें आज हम बात करेंगे करोड़ों की आस धामी का प्रयास। उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा और उससे पहले होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य को सौगात देने की केंद्र से मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान करीब 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक दोनों के बीच बैठक हुई है। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की चारधाम यात्रा के लिए सरकार की व्यवस्थाओं की जानकारी दी है और साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में नए शहरों को बसाने के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए देने की मांग भी कर डाली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर नवंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए समय दिए जाने का भी अनुरोध किया। धामी की मोदी से हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि उन्हें केंद्र से कोई भी उम्मीद नहीं है। अब तक राज्य को कोई आर्थिक मदद केंद्र से नहीं मिली है। अब सवाल यह है कि क्या धामी की मुलाकात के बाद केंद्र राज्य को आर्थिक मदद देगा, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान 1.5 घंटे से ज्यादा दोनों के बीच बैठक हुई। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की चारधाम यात्रा के लिए सरकार की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में नए शहरों को बसाने के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए देने की भी मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर और नवंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए समय दिए जाने का भी अनुरोध किया है। भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है, और चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया, गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। साथ ही साथ पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है, वो नैनी सैनी एयरपोर्ट चालू हो जाए, पंतनगर का एयरपोर्ट उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही में देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है उसका भी विस्तार होना है, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध किया। और साथ ही साथ दो हेलीपैड जो हमारे एक जोशीमठ में और एक धारचूला में, दोनों हेलीपैड जो सेना के द्वारा है, सेना के हेलीपैड हैं, उन सेना के हेलीपैडों में राज्य सरकार को भी जो है संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक माह में ये दूसरी बार मुलाकात है। माना जा रहा है कि इस लंबी मुलाकात के दौरान पीएम ने धामी को आत्मीयता से सुना और उत्तराखंड के मुद्दों में गहरी रुचि दिखाई। धामी ने इससे पूर्व 3 अप्रैल को पीएम से मुलाकात की थी, तब मुख्यमंत्री ने जोशीमठ भूधसाव के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। वहीं सोमवार को हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में नए शहरों को बसाने के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ रुपए देने की मांग भी की थी। वहीं विपक्ष का कहना है कि केंद्र से राज्य को कोई उम्मीद नहीं है, अब तक राज्य के हाथ खाली ही हैं।
राज्य का और केंद्र का संवाद होगा, उससे राज्य ही लाभान्वित होगा। अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि हमारी झोली पे कुछ गिरा हो। बार बार कभी केदारनाथ बाबा ने बुलाया है, कभी गंगा मैया ने बुलाया है, कभी उत्तराखंड ने बुलाया है, ये तो सुनने को मिला, लेकिन ना हमें ग्रीन बोनस मिलता है, ना हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, ना हमें आर्थिक पैकेज मिलता है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की झोली खाली की खाली ही रहती है। अगर मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो आकर के बताएं भी तो कि क्या वहां से वो उत्तराखंड के लिए लेकर आए हैं, या सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री दरबार से तलब किया जा रहा है, ये मतलब निकाला जाए। मुख्यमंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की हूँ, उसको लेकर काफी विशेष चर्चा करी गई है, जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ पर जो कार्य चल रहा है सुचारू रूप से, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी गई है, और जो मास्टर प्लान चालू कराया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको लेकर वृत्तांत से चर्चा करी गई है, और जो सुचारू रूप से यात्रा चल रही है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करी गई है, और आगे भी जो जोशीमठ में जो विशेष पैकेज दिया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो कार्य कहाँ तक पहुंचा और किस रूप तक पहुंचा, उसके बारे में काफी चर्चा उन लोगों में करी गई। और प्रधानमंत्री जी ने पुष्कर सिंह धामी जी की पीठ भी थपथपाई है कि जो कार्य वो उत्तराखंड में कर रहे हैं वो काफी अच्छा चल रहा है। और कुल मिलाकर सीएम धामी की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक इच्छा में नया शहर बसाने की बात कह डाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि सरकार ने राज्य में 5 से 7 नए शहर विकसित करने का फैसला लिया है। पहले चरण में कच्छा में 2000 एकड़ में नया शहर बसाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सीएम धामी की कोशिश है कि चुनाव से पहले पूरे राज्य को केंद्र से करोड़ों की सौगात दिलाएं। हालांकि केंद्र राज्य की मदद करेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। देखना होगा क्या धामी का शहरों को बसाने का सपना साकार होगा। देहरादून से की न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, जिसको लेकर खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले आपको उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमारे साथ में हैं, और साथ ही यश काला रतूड़ी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, और गिरधर शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। फिलहाल स्क्रीन पर संजीव शर्मा जी और यश काला जी हमें नजर आ रहे हैं। संजीव जी से ही आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा सीधे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। संजीव जी, ये बात बिल्कुल सच है कि प्रदेश सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार की ओर से भरपूर मदद मिले ताकि प्रदेश का विकास हो सके, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जो मांगे रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, वो उनमें एक मांग ये भी है कि वो नए शहर बसाएंगे। ऐसे में पहले आपको नहीं लगता कि जो पहले से बसे हुए हैं इनका विकास करना चाहिए, इनके लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि नई चीज़ों का विकास हो, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास की आस लगाए बैठी हैं। करीमा जी, सबसे पहले तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी शिष्टाचार भेंट थी, और इस भेंट में उन्होंने उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के ऊपर परिचर्चा करी, और चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित चल रही है इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी। और साथ ही जो इन्वेस्टर समिट हमारा अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है, उसमें उनको आमंत्रित किया कि आप उसका उद्घाटन आप करेंगे तो ज्यादा ज्यादा हमारे पास निवेशक भी उत्सुकता दिखाएंगे और उत्तराखंड के विकास में हम लोग काफी हद तक आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से मान्य मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 2025 कि उत्तराखंड 2025 में देश का एक अग्रणी राज्य बने, यहाँ पर रोजगार के पर्याप्त साधन संसाधन उपलब्ध हो, हम हर चीज में एक लीडिंग भूमिका में हो, हम पलायन से हमको मुक्ति मिले, हमको रोजगार स्वरोजगार के हम ज्यादा ज्यादा साधन उपलब्ध करा पाए, हमारी जीडीपी आगे बढ़ पाए, जीडीपी हमारी उच्च होए, इन सभी बातों को लेकर। और जिस प्रकार से अभी जोशीमठ में पिछले सब में प्रॉब्लम्स आई थी
ईश्वर के आशीर्वाद से वो काफी हद तक और सरकार के जितने प्रयास रहे, चाहे उसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका उन्होंने जो भी सजेशन दिए उसका सरकारों ने भी अक्षरशः उसे कार्यान्वित करते हुए आज की तारीख में जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है लगभग एक सामान्य स्थिति में है, किंतु वहां पर जो वहां के निवासी हैं उनको जो अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना है और उनका एक पुनर्वास का जो एक पैकेज होना है उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को उससे भी अवगत कराया और प्रधानमंत्री हर संभव सहायता देने के लिए भी मान्य मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया कि जो भी आवश्यकता होगी मैं उत्तराखंड के साथ हूं और उत्तराखंड की जो भी मांगे होगी। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, देखिए प्रधानमंत्री तक आपने बात पहुंचा दी है लेकिन उसके बाद कितना कुछ मिलता है आपके प्रदेश को ये काफी अहम है, क्योंकि हर प्रदेश अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है, हर प्रदेश को केंद्र से उम्मीदें हैं लेकिन वो पूरी कितनी होती है ये भी बड़ी बात है ना। यश काला जी हमारे साथ में जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ कहना भी चाह रहे थे, उसके साथ में देखिए अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को भी हमने सुनाया, उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए कि ग्रीन बोनस हो या बजट हो या स्पेशल पैकेज हो मिलता कुछ नहीं है, क्या कहेंगे आप यश जी, क्या लग रहा है आपको ये मीटिंग ये जो मुलाकात हुई है इसके कुछ फायदे होंगे उत्तराखंड को प्रदेश को? जी जरूर, ये बात तो सच है कि उत्तराखंड प्रदेश को मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के लिए ये जो है चुनावी मैदान सिर्फ हमारे चार धाम यात्रा के स्थलों को बना देते हैं, हमारे मंदिरों को बना देते हैं। जब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस बेतुके सेंस के साथ हिमाचल की पोशाक पहन करके रेड कार्पेट चार धाम केदारनाथ के आर पार बिछा करके वहां पर वॉक करते हैं, तो इससे न जाने क्या होने वाला है। ऐसे कोई प्रधानमंत्री इतिहास में हुए नहीं जो इसने केदारनाथ के गर्भगृह के अंदर घुस करके कैमरे से फोटोग्राफी की हो, वहां के पंडितों को धक्के मार करके साइड किया हो और सिर्फ अपनी शक्ल दिखानी चाहिए हो। और पुष्कर सिंह धामी जी, मीटिंग्स का दौर उनका चालू है, ये कोई इनकी पहली मुलाकात नहीं है और जैसे उनके कार्यशैली है लगता नहीं कि ये उनकी कोई आखिरी मुलाकात भी होने वाली, लेकिन वो लंबे समय से मुलाकात कर रहे हैं, हफ्ते भर में वो एक ना दो दिन तो चले ही जाते हैं दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, न जाने क्या उनको खतरा, या तो उनको अपनी कुर्सी पर कोई संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है या फिर उनसे प्रदेश की स्थिति को संभाला नहीं जा रहा है, जो वो हर वक्त जो है दिल्ली भागते रहते हैं। लेकिन प्रदेश को क्या मिल रहा है, ना प्रदेश को ग्रीन बोनस मिल रहा है, ना जीएसटी के बोझ से कुछ छुटकारा मिल रहा है, ना कर्ज चुकाने के लिए कुछ केंद्र से मदद मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को इन्होंने जो है अपनी राजनीति का मोहरा बना करके रख दिया है। हमारे माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी तो एक एक वर्ड टू वर्ड कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने कहा अरे हम तो उत्तराखंड के साथ हैं, हम तो यही मुझे लगता है शायद से ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे इसलिए इतने अच्छे से बता पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी जो हैं कि कब से कहते हुए आ रहे हैं, कभी कहते हैं भाई मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे केदार बाबा ने बुलाया है, मुझे माँ धारी ने बुलाया है, गढ़वाली की दो चार शब्द बोल लेते हैं तो उन्हें लगता है कि न जाने उन्होंने उत्तराखंड के लोगों का दिल जीत दिया, उत्तराखंड को न जाने ऐसा कौन सा बोनस दे दिया। लेकिन आपके चुनावी ढकोसले और आपकी ढोंग से भरे हुए वादे किसी को नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। प्रदेश की जनता काम मांगती है, प्रदेश की जनता विकास मांगती है, आज भी यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ की जनता जूझ रही है। लेकिन यश जी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, अभी तो मुलाकात हुई है, क्या पता कि इस मुलाकात के बाद कुछ फायदा हो प्रदेश को, कोई लाभ हो, इतनी जल्दी आरोप लगाना क्या सही है? देखिए इंतजार कब से कर रहे हैं, जब से इनकी सरकार बनी है तब से इंतजार में ही है कि अब कुछ होगा। अब तो हमारे इंतजार का जो बांध है ना वो एकदम टूटने के कागार पर है और प्रदेश की जनता जहां त्रस्त हो रही है तो विपक्ष नहीं शांत रह सकता है। हम एक एक पल का भी एक घड़ी का भी अब और इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें इंतजार करने के लिए बहुत टाइम दे दिया और मासूम सी जनता को इन्होंने अपने झांसे में फंसा करके दूसरी बार की सत्ता भी हथिया ली है। इसलिए दूसरी बार की जब ये लोग डबल इंजन कहते थे अब ट्रिपल इंजन हो गए तो अब तो इनकी डबल जिम्मेदारी है कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करें। लेकिन या तो अगर ये कर नहीं पा रहे तो ये कबूल लें कि भाई इनके इंजन का ईंधन खत्म होने वाला है और ये सत्ता को छोड़ दें, बाकी हम प्रदेश की जनता खुद अपनी सरकार को चुन लेगी, लेकिन इन लोगों से काम नहीं हो रहा। लेकिन जनता ने ही तो उनको मौका दिया है ना, जनता ने ही तो मौका दिया है, अगर आज वो सत्ता में है तो जनता के ही तो जनादेश से है, जनता ने आप पर विश्वास क्यों नहीं दिखाया था? देखे ये बाबा भोलेनाथ की धरती है, देवभूमि है, जितने भोले हमारे बाबा हैं उतनी ही भोली यहाँ की जनता भी है। अब देखिए ना
कैसे ठग रहे हैं। सतपाल महाराज जी जो है 2022 में जब यात्रा का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, लोग परेशान थे, वो दुबई कुवैत चले गए और वापस आकर के कहते कि मैं तो भाई अरब देशों से जो है चारधाम यात्रा के लिए दर्शनार्थियों को लेने के लिए गया था। ऐसा कब से होने लगा चारधाम यात्रा में, कब से अरब देशों से यात्री आने लगे धर्माटन के लिए? मैं बात करूं चाहे वन मंत्री की, वन धधक रहे थे, यात्री सारे परेशान थे, उस वक्त पर क्या कर रहे थे वन मंत्री जी? मुंबई चले गए थे। आपको मैं बात करूं धन सिंह रावत जी की, पिछले वर्ष और इस वर्ष भी बहुत बाहर प्रशिक्षण दे रहे हैं और अब की बार ठीक है, ठीक है। देखिए यश जी, ये सारी बातें, ये सारी बातें अगर आप जनता से कहेंगे ना तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जनता तक इन बातों को पहुंचाइए ताकि जनता जब वोट देने जाती है तब आपके बारे में ध्यान रखे, है ना। कहीं ना कहीं अपनी बात आपको जनता को कन्वे करनी होगी। आप कहना है कि अगर उत्तराखंड की जनता भोली भाली है, उत्तराखंड की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुनती है तो कांग्रेस पार्टी को भी तो सुनती है ना। पूरा मौका होता है आपके पास, उस दौरान पीछे आप क्यों हो जाते हैं? खैर, आपके पास वापस लौटेंगे यश जी। फिलहाल गिरधर शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गिरधर जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। गिरधर जी, अभी हमने बीजेपी के प्रवक्ता की भी बात सुनी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक तरफ कह रहे हैं कि प्रदेश को कुछ मिलता नहीं है, दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डर है कुर्सी चले जाने का, इसीलिए या फिर उनकी क्लास लगाने के लिए उन्हें तलब किया जाता है। तो इसमें आपका, आपकी क्या राय है? आप इन मुलाकातों को किस नज़र से देखते हैं? क्या प्रदेश के विकास के लिए ये मुलाकातें होती हैं या फिर ये क्या कुछ निकल कर आएगा इन मुलाकातों के बाद? गिरधर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? गिरधर जी, आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात कहें। गिरधर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल विपिन खन्ना जी भी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और अनुपम खत्री जी है, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना जी को पहले जोड़ लेते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। विपिन जी, इस बार जब चुनाव हुए थे तो मुझे अच्छे से याद है, आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में मैदान में थी और बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, सब कुछ किया था। लेकिन अब जब मुलाकात चल रही है, माफ़ कीजिएगा, अनुपम खत्री जी हमारे साथ में नहीं हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ में हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यूकेडी के नेता हैं। लेकिन विपिन खन्ना से फिलहाल सवाल करते हैं। विपिन जी, आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। विपिन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो मुलाकातें हो रही हैं सीएम और पीएम की, ये प्रदेश के को लाभान्वित करेंगी? क्या इन मुलाकातों से कुछ मिलेगा प्रदेश को? आपकी क्या राय है? रीमा जी, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं या अन्य मुख्यमंत्री कितने जितने भी हुए भारतीय जनता पार्टी के और कितनी मुलाकातें इन्होंने केंद्र में जाके की हैं, उसमें उसमें उस उन मुलाकातों का कितना लाभ उत्तराखंड को मिला है, ये आप शायद हमसे बेहतर जानती हैं। देखिए, ये जो नए शहर बसाने का जो ये जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश की जनता को कि हम नया शहर बसाएंगे, क्या ये गुमराह प्रधानमंत्री जी को करने गए हैं या ये गुमराह प्रदेश की जनता को कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह से याद होगा, शिफन कोर्ट को जब उजाड़ा गया, अब तक उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने नहीं की। हल्द्वानी के लोगों के लिए कोई व्यवस्था उत्तराखंड की सरकार ने नहीं की। मलित बस्तियों का जो जो नियमितीकरण है उस पर अब तक कोई भी चर्चा उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं है। यहां तक कि जो स्मार्ट सिटी, आज ही नई नई खबर है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो इन्होंने अभी जो लंबे से लंबा टाइम देते जा रहे हैं, उसका कार्यकाल खत्म होने जा रहा था, एक साल का टाइम इन्होंने और ले लिया है। अब तक जोशीमठ का पुनर्वास ये लोग नहीं कर पाए, नए शहर बसाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने। आप ये बताइए कि माली हालत जो केंद्र सरकार की है, मनरेगा का बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, तो ये 1000 करोड़ रुपए किससे मांगने गए हैं और कहां पे ये नया शहर बसाएंगे, जबकि ये भी पिछले 5 साल से स्मार्ट सिटी तो पूरी कर नहीं पाए। अरे, जो शहर आपके बसे हुए हैं उन्हें इसको गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता गुमराह कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से झूठ बोलने जा रहे हैं या केवल और केवल तस्वीर खिंचवाने और गुलदस्ता देने के लिए ये दिल्ली जाते हैं या फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं।
बिल्कुल समझ से परे है। केवल हमें अखबारों के माध्यम से ये पता लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने गए हैं, उनको गुलदस्ता दिया है, आज उनसे ये डिमांड रखी है। अब 1000 करोड़ रुपए की डिमांड ये रख के आए हैं। अभी तक जोशी मठ के पुनर्वास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो बजट था वो भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो 1000 करोड़ रुपए दोबारा से किस बात के मांगे गए हैं? ये केवल और केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एकमात्र षड्यंत्र है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि इन मुलाकातों से कोई भी लाभ प्रदेश को मिलने वाला नहीं है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गिरधर जी। गिरधर जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? गिरधर जी की से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। यूकेडी के नेता हमारे साथ में हैं, शिव प्रसाद जी, उनको जोड़ लेते हैं। शिव प्रसाद जी, अभी आपने देखा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सबको ऐसा ही लगता है कि ये मुलाकातें कोई भी लाभ नहीं देने वाली है प्रदेश को, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं डर है पुष्कर सिंह धामी को, इसीलिए दिल्ली जाते रहते हैं हाजिरी लगाने के लिए। आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल, और जब तक सरकारें दिल्ली से चलती रहेंगी, जब तक रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रहेगा, जब तक कठपुतलियां नचाने वाला दिल्ली में रहेगा, तब तक हर एक इशारे के लिए, हर एक आदेश के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा जी। आज कांग्रेस या आम आदमी पार्टियां कोस रही हैं कि धामी जी दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, या आम आदमी पार्टी को भी अपना असर लगता होगा कि भाई जब यहाँ की राजनीति करनी है तो बिना दिल्ली के तो चलेगा नहीं। यहाँ वालों को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ सत्र चल रहा होता है, 20 सत्र से वापस बुला लिया जाता है कि चलो तुम्हारी नहीं कुर्सी खिसक गई। एनडी तिवारी जी को तो नई दिल्ली तिवारी कहा जाता था, एनडी तिवारी की फुल फॉर्म ही नई दिल्ली तिवारी थी। तो आप सोचिए, कांग्रेस का भी वही हाल है, भाजपा का भी वही हाल है, और सारे जितने भी जब तक दल दिल्ली से चलते रहेंगे, इन सबका वही हाल होगा। और ना सिर्फ ये कह भले ही रहे हो कि बजट लाने, विकास योजना, बजट कौन सा बजट लाने की बात कर रहे हैं, 4000 करोड़ रुपए का भी जब बजट था तब भी 2000 करोड़ रुपए लैप्स हो जाते थे, और आज पिछला जो सत्र था बजट सत्र, उसमें से ज्यादा पैसा लैप्स हो गया। क्या फायदा है, क्या फायदा है ऐसे बजट का, जब आपसे ठीक आधा पैसा खर्ची नहीं हो पा रहा है, तो आप बोलते रहिए सरप्लस बजट है, बजट बढ़ा दिया है, इतना बजट हो गया, उतना बजट हो गया है। 3000 करोड़ रुपए की एक योजना लाए थे पिछली सरकार में भाजपा सरकार, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ रुपए आप मुक्त हुए दिल्ली से, तो काय को ढिंडोरा पीटते हो? 100 करोड़ से ज्यादा तो आपने विज्ञापनों पर खर्च कर दिया कि उस योजना के प्रचार प्रसार में, क्या फायदा इस योजनाओं का? और किस तरीके की योजना है और कौन सी बात करते हैं ये लोग, इनको ये बताओ कि भैया किस कौन सा बजट लेके आओगे? आप जाते हो दिल्ली इसलिए कि आपकी शिकायतें होती हैं, आप जाते हो इसलिए दिल्ली कि आपको बोला जाता है कि भैया तुम्हें तो जो पैसा तुम्हें देने के लिए बोला था वो पहुंच क्यों नहीं रहा मैंने टू मैंने। ये कलेक्शन एजेंट है बेसिकली, यहाँ इन्होंने उत्तराखंड को उपनिवेश बना दिया है। जो भी उत्तराखंड के नेता है उत्तराखंड में, हम तो भेजते हैं अपना प्रतिनिधि चुनके, हम सोचते हैं कि हमने अपना प्रतिनिधि चुनके भेज दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो प्रतिनिधि वापस वहां जाके कठपुतली में बदल जाते हैं विधानसभा के अंदर जाकर, ये उनके रिमोट कंट्रोल की गुड़िया में बदल जाते हैं जाकर के। कितना बोलना है, कितना बोलना है, उतनी चाबी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले किलो ना। राम राज है यहाँ पे, जितने विधायक है, जितने मंत्री मुख्यमंत्री है, जितनी चाबी वहां से भरी जाती है वो उतना ही चलते हैं। जैसे ही इनकी बैटरी डाउन होती है, इन्हें वापस दिल्ली जाना पड़ता है अपनी बैटरी रिचार्ज कराने के लिए। और दिल्ली की प्रसाद पर्यंत, दिल्ली की कृपा से, जब तक दिल्ली के लोग चाहें, जब तक इनके बड़े नेता चाहें, जिन्होंने इनको टिकट दिलाया, जिन्होंने इनको पोर्टफोलियो दिलाया, जिन्होंने इनको मंत्री मुख्यमंत्री बनाया, जब तक उनकी झोली यहां से भरती रहती है तब तक ये वहीं चलते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा बैटरी डाउन होती है उनको रिचार्ज के लिए, फिर वहां जाना पड़ता है। तो ये जो बेसिकली उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड को इन्होंने अपना उपनिवेश बना दिया है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे पूरा देश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चलता था और उपनिवेश था भारत, उसी तरीके से आज हमारा उत्तराखंड, बहुत शर्म की बात है कि ये दिल्ली वाले दलों का उपनिवेश बन गया है। कोई वहाँ गडकरी का आदमी है, कोई फटकरी का आदमी है, कोई वहाँ किसी और का आदमी है, कोई राजनाथ सिंह का। लेकिन प्रसाद जी, स्थानीय दलों में, अगर स्थानीय दलों की बात करें तो मुझे लगता है यूकेडी सबसे आगे थे, लेकिन लगातार यूकेडी तो गिरती जा रही है। क्यों आप लोग अपनी बात जनता तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा पाते, क्यों जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे आप लोग? उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा होता है कि जो आयुर्वेदिक इलाज है लंबा चलता है, जड़ से इलाज करता है। बेसिकली जिस तरीके की राजनीति है, हम लोग राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम लोग राजनीति में विश्वास करते हैं। हम वो दल है, ये वो दल है जो राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सरकार नहीं बनी तो विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं, लेकिन हम वो दल थे जिन्होंने कहा था कि अगर राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। हमने चुनाव में जाने से ही बहिष्कार कर दिया था कि पहले राज्य बनाओ तब इलेक्शन होगा।
ठीक है शिव प्रसाद जी तो देखिए लगातार लोगों का यही कहना है, अलग अलग पार्टियों का यही कहना है कि भले ही मुलाकातें हो रही हैं लेकिन इन मुलाकातों से उत्तराखंड को अब तक कोई लाभ न हुआ है और न आगे होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इन मुलाकातों के बाद केंद्र की ओर से बड़ी सौगात मिलेगी प्रदेश को, जिससे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश लाभान्वित होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच हो रही हैं, इनसे जनता ने जो आस लगाई है वो भला कितनी पूरी होगी, और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और गिरधर शर्मा जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरधर जी, आवाज पहुँच रही है क्या आप तक हमारी? जी गिरधर जी, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कोई फायदा नहीं है, वहीं दूसरी ओर सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन मुलाकातों के बाद बड़ा लाभ मिलेगा प्रदेश को, विकसित होगा प्रदेश। गिरधर जी हम ले लेंगे, गिरधर जी की आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है नेटवर्क के चलते। यश काला जी के पास चलते हैं। यश जी देखिए, आपने बहुत सारी बातें कही, आपने कहा कि कोई भी मुलाकातों का मायने नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, पहले ही प्रदेश के पास जो चीज़ें थी वो प्रदेश खर्च नहीं कर पाता है। आप ही की तरह बाकी के जो विपक्षी हैं सरकार के, वो भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर शुरुआत सरकार कर रही है तो पहले से ही सवाल उठना आखिर क्यों, थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि लगातार वो कर रहे हैं, चारधाम यात्रा की बात हो या साल दर साल चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। यश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पहले अनम्यूट करें। माफ कीजिएगा। देखिए, प्रदेश की स्थिति अगर हर साल सुधर रही है या बिगड़ रही है, इसका फैसला तो जनता अपने आप कर ही रही है, निकल निकल कर सड़कों पर आकर के बता ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बजाय की सचेतने के, बजाय की जागे और सड़कों पर निकले, जनता के हित के मुद्दों को उठाए, जोशीमठ का पुनर्वास कराए, वहां के जितने भी वासी हैं, जोशीमठ शहर जो दरक रहा है उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं, और कह रहे हैं हम नए नए शहर उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। सबसे पहली बात तो देहरादून का गौरव, देहरादून की इस वक्त पर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है देहरादून, उसको जगह जगह इन्होंने जो है तार तार करके रख दिया है, जगह जगह गड्ढे खोद दिए हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इतने घोटाले हो रहे हैं, ना जाने कितने इनके अधिकारी बदल गए, कितने इनके डीएम बदल गए, कितने उसके मतलब जितनी भी जिम्मेदारी लोग थे वो सारा का सारा पैनल बदलता रहा। लेकिन देहरादून की स्थिति अब तक सुधरी नहीं, और तो और यहाँ के जो मेयर हैं देहरादून के, वो इतने बड़े घोटालों में संलिप्त हो गए, उन पर विजिलेंस के मामले हो गए, उस पर उनकी कोई जवाबदेही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी डरी हुई है, और पुष्कर सिंह धामी जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं तो उसके पीछे इनके जो पार्टी के अंदर जो राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। लेकिन यश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुष्कर सिंह धामी अगर सीएम से मिल रहे हैं तो वो हाजिरी लगाने के लिए दिल्ली दरबार गए हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों ना लगे? मैं सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ही है, जिस मुख्यमंत्री की अपने मंत्रिमंडल पर चलती ना हो, क्या मुख्यमंत्री का यह फर्ज नहीं था कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई तो सतपाल महाराज जी को अपने स्टेट में बुला लिया जाए? कहां है सतपाल महाराज जी? छत्तीसगढ़ में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। उनका क्या मतलब है छत्तीसगढ़ में होने का? पिछले वर्ष दुबई कुवैत घूमने गए थे, इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? धन सिंह रावत जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिल पाने के कारण रोज के रोज जो है यात्रियों की मौत हो रही है। कहां है वो? पहले आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। संजीव जी सुन रहे हैं आप, यश जी ने बड़े आरोप लगाए हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। यश जी पहले सुन तो लीजिए उनको, मैं आपके सवाल ले लूंगी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया है। संजीव जी को जवाब देने का भी तो मौका देने दीजिए। कहाँ है संजीव जी आपकी पार्टी के नेता, कहाँ है मंत्री आपके? तभी तो वो कह रहे हैं, तभी तो आरोप लगा रहे हैं, क्यों मौका दे रही है सरकार? गरिमा जी देखिए, सबसे पहली बात है कि 5-7 नए शहर बसाने की बात हुई, उनके लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था करने का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया। हम लगातार विकास के मॉडल पर, विकास के मुद्दे पर, 2022 का जो हमारा भी चुनाव हुआ था उसमें हमने तमाम जो जनता के साथ वायदे किए थे विकास को डिलीवर करने के, हम लोग विकास पूरे नहीं किए लगातार।
मैं आपके बीच में नहीं बोल बोला, बीच में बिल्कुल मैं लूंगी आपके सवालों का जवाब, उनको अपनी बात करने दीजिए, मुझे भी पता है कि सवाल क्या था और वो जवाब क्या दे रहे हैं, सुनने तो दीजिए। गरिमा जी इसका वो ठीक है ठीक है, आप बोलिए संजीव जी, आप बोलिए संजीव, यश जी प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं सवालों का जवाब लूंगी। लेकिन देखिए संजीव जी, उन्होंने सवाल किया था ना कि आपके नेता कहाँ हैं, आप कह रहे हैं कि हम नए शहर बसाएंगे, उनकी बात हम बाद में कर लेंगे ना, क्या सिर्फ उनके लिए बात की गई थी? अगर आप ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात में सिर्फ नए शहरों को बसाने के उनके विकास की बात हो रही है, तब तो बहुत सारे सवाल हैं कि पहले से जो शहर आपके पास हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और दूसरी बात, पहले उनके सवालों का जवाब दीजिए, अगर आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता ऐसे मौकों पर कहाँ हैं, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तैयारियां चाहिए, तो उसका जवाब दीजिए ना, फिर आप टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? गरिमा जी देखिए, ना तो मैं टाल मटोल कर रहा हूँ, ना मैं बाउंड हूँ कि हर आदमी के अनर्गल सवालों का मैं जवाब दूं। किसी व्यक्ति की बात नहीं, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये जनरल सवाल है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, बाउंड नहीं, ये जनता के सवाल हैं, ये जनता के सवाल है सर, ये जनता के सवाल है जो जनता आपसे पूछ रही है। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मेरे को बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, इसी तरह का न्यूसेंस होगा, मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। संजीव जी हमने आपको बोलने के लिए ही तो बुलाया है, ठीक है आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, यश जी आप भी नहीं बोलेगा, बोलिए आप, मेरा जवाब भी ले लीजिए। हाँ बोलिए। अभी ये बात आ रही थी कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया, उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया, विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और कांग्रेस की सरकारें जैसी 2004 के बाद आई थी, इन्होंने एकदम उसको तोड़ने का काम किया। यश जी उनको सुनिए तो पहले, फिर हम पूछेंगे ना, हम मैं उनसे पूछ रही हूँ ना, यश जी उनको बोलने तो दीजिए, अगर ऐसे बात करेंगे तो फिर दोनों की बात नहीं समझ में आएगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए थोड़ी डिबेट हमने यहाँ पर रखी है, संजीव जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे यश जी, प्लीज संजीव जी अपनी बात पूरी करिए। गरिमा जी आपने कहा आपके मंत्री कहाँ हैं, कर्नाटका में चुनाव चल रहे हैं, और संगठन स्तर पर हमारी इस तरह की एक रणनीति होती है, हम किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ते हैं, और चाहे प्रदेश जाए पानी में, चाहे प्रदेश की जनता जूझे, हम चुनाव पर ध्यान देंगे, हम चुनाव के बदतमीज आदमी या नहीं, क्या बदतमीज आदमी चुप रहेगा नहीं, यश जी बीच में मत बोलिए, यश जी बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका देती हूँ, इस तरह से फिर आपस में बहस करनी है तो बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका समय बर्बाद करने के लिए हम यहाँ पर आए, प्लीज यश जी प्लीज, वरना मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, संजीव जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद, प्रदेश की जनता के लिए जो है मैं उनसे सवाल करूंगी ना, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए, प्रदेश की जनता भी ये डिबेट देख रही है, वो भी जानती है कि अगर मंत्री दूसरे प्रदेशों में जाएंगे प्रचार करने के लिए तो प्रदेश का क्या होगा, जाइए लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जाइए ना। तो आप भी भेजो ना अपने हरीश रावत को कर्नाटक, आप भेजो ना प्रीतम सिंह को कर्नाटक, यशपाल आर्य को भेजो कर्नाटक, क्यों नहीं भेजते, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है, आपको अपनी अपनी आपको अपनी पार्टी की लड़ाई से फुर्सत मिले तो आप भेजोगे ना, पार्टी की लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो आप भेजोगे, संगठन हमारी पार्टी संगठन के लिए काम करती है, जनता के हितों के लिए काम करते हैं, हम आपकी तरह कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे हरीश रावत जी जंतर मंतर पर दिल्ली पर और उन बेटियों का समर्थन कर रहे हैं, इनका एक नेता निकल कर आ नहीं रहा है, अरे हमारी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, जिन बेटियों ने देश को जब गौरव यश जी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके पास आऊं मैं तब बोलिएगा ना, इस तरह से बीच में बोलेंगे, अगर आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं तो अलग बात है,
जवाब दे सकता हूं मैं। यश जी ठीक है ठीक है, यश जी आपके सवाल हो गए, यश जी हो गए। संजीव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, बाकी भी के भी मेहमान है, उनसे भी मुझे उनकी बात सुननी है। संजीव जी जल्दी बोलिए संजीव जी। लेकिन संजीव जी देखिए आप अपनी बात पूरी करिए, मेरा सवाल सुनते जाइए, उसके बाद अपनी बात पूरी करिए और फिर मेहमानों की राय। गरिमा जी मैं गरिमा जी जब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ तो आपके ये महाशय बीच में टांग अड़ा रहे हैं। सर ऐसा नहीं होता है, आपकी पार्टी के लोग भी बैठते हैं, जब बहस होती है तो आप लोग भी बीच में बोलते हैं। इसमें इस बात पर बहस नहीं करेंगे ना कि कौन बीच में बोल रहा है। मैं उनको रोक रही हूँ अभी वो नहीं बोलेंगे। संजीव जी मेरा एक सवाल सुनते जाइए, उसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को जोड़ती हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मंत्री अन्य प्रदेशों में प्रचार प्रसार में बिजी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि पहले प्रदेश को तो संभालिए, जहां की जिम्मेदारी आपको दी गई है उन कामों को बेहतर ढंग से कर दीजिए। हम कब कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी का प्रचार प्रसार मत करिए, आपकी प्रदेश की जनता सवाल उठा रही है तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। सारे काम होते हैं, सरकार का काम भी होता है और संगठन का काम भी होता है। और बात रही इस समय चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में भी सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा कुछ जो हमारे मंत्रीगण हैं और जो संगठन के लोग हैं उन और जो हमारे अधिकारी हैं वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और अन्य जितने भी काम हैं वो अपने अपने स्तर पर पूरे काम व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। किंतु अभी एक जो हमारा कर्नाटका का चुनाव चल रहा है उसमें हमारे जो बड़े नेता हैं उनकी भी ड्यूटी वहां पर लगी है। 10 तारीख तक का वो चुनाव है, 10 तारीख के बाद सभी लोग यहाँ पर होंगे। और मैं सोचता हूँ अगर अन्य दलों को इसके ऊपर भी यदि कोई आपत्ति हो रही है तो आपको किसने रुका है मेरे भाई? संजीव जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि प्रचार प्रसार के लिए पार्टी के नेता नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक्सक्यूज देना, ये बात कहना कि नहीं नहीं अभी तक तो वहां है उसके बाद प्रदेश में आकर काम करेंगे, ये गलत है। खैर और भी मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। अभी गिरधर शर्मा जी हमारे साथ में है, प्लीज संजीव जी प्लीज अब बाकी मेहमानों की राय भी ले लीजिए। गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत स्वागत आपका, कई बार प्रयास किया आपकी आवाज हम तक नहीं आई। गिरधर जी अभी आप देख रहे हैं सरकार कह रही है कि मुलाकातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश को लाभान्वित कर सकें, प्रदेश में नए शहर बसाएंगे, उनका विकास होगा, प्रदेश का नाम और बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी कह रहे हैं कि जो पहले से हैं अब तक उनके लिए ही कुछ नहीं हुआ, अब तक कोई सौगात केंद्र ने पहले ही नहीं दी और मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातों के एक अलग ही मायने निकाल रहा है विपक्ष। आपकी क्या राय है इन मुलाकातों पर? गरिमा जी देखिए संजीव जी मेरा सवाल गिरधर जी से है। संजीव जी प्लीज मैं आपके पास लौटूंगी, और भी मेहमान है मुझे उनकी भी बात सुननी है। प्लीज संजीव जी प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप प्लीज गिरधर जी अपनी बात पूरी करिए। वो केवल ये बता दे कि इनके संजीव जी अभी आप यश जी को कह रहे थे कि बीच में बोल रहे हैं, अब आप भी वही काम कर रहे हैं ना। प्लीज संजीव जी प्लीज, अब मैंने आपको मौका दिया, अब सारा समय आपको ही नहीं देना, और मेहमान भी है ना। गिरधर जी प्लीज आप बोलिए। इसके मुझसे पूछा आपने? जी वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी हमारे साथ में है, आपकी क्या राय है, क्या लगता है इन मुलाकातों के क्या मायने हैं? देखिए मुलाकात तो बहुत जरूरी है, कोई भी देश की जो सबसे सर्वोच्च पद है पीएम का, सारा कंट्रोल पूरे देश का उनके हाथ में होता है और सारे प्रदेश सारी सिर्फ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस के और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम से मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ सीएम लोग जो है सिर्फ इन्हीं से मिलते हैं बीजेपी के जहां प्रदेश सरकार है? तो ये एक दायित्व है, एक नैतिकता है और एक राज्य के प्रति जो उनके विकास की योजना है उनको प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं। तो धामी जी का मिलना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, सभी प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं वो उनको मिलना ही पड़ता है, प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, अभी इवन पंजाब के जो है वो गृह मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब गृह मंत्री से मिले। तो हम ये कहते कि उनको कोई राजनीतिक वो है नहीं, ये एक विकास की योजनाओं के लिए या प्रदेश की योजनाओं के लिए मिलना जरूरी होता है, तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में मिले होंगे। ठीक है, लेकिन जो 1.5 घंटे की मुलाकात है उसमें कुछ ना कुछ विकास के साथ साथ पॉलिटिकल भी कुछ बातें हुई होंगी, इसमें दो राय नहीं है।
लेकिन जहां तक मिलने का सवाल है इसको तो कोई रोका नहीं जा सकता, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरधर जी देखिए सवाल तो यही है ना कि ये पार्टी स्तर की मुलाकात थी अगर तो अलग बात है, क्योंकि सरकार है उनकी, वो बातचीत कर सकते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग थी तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रदेश की बात लेकर मुख्यमंत्री गए हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए ही बात करेंगे। और जैसा कि संजीव जी ने भी कहा कि जो नए शहर बसाने की बात हो रही है, 1,000 करोड़ की मदद की मांग की बात हो रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इन मुलाकातों के बाद कुछ मदद केंद्र की ओर से मिलेगी प्रदेश को, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। मांग भले ही कितनी कर लें पुष्कर सिंह धामी, वो तो सिर्फ और सिर्फ दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए विपक्ष की बात अपनी जगह सही है और विपक्ष जो कहता है वो उनका काम है कहना, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री होगा बिना प्रधानमंत्री से मिले कोई भी विकास की योजनाओं को अगर धरती पर लाना है तो उनका मिलना जरूरी है। अब कितनी सफलता उस पर मिलती है, कितना उसमें उनकी योजनाओं को प्रधानमंत्री सीरियसली लेकर उन योजनाओं को अमल में लाते हैं वो प्रधानमंत्री का विवेक है, उसमें कोई भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ मिलना बड़ा जरूरी है, बिना लोग कहते हैं कि बच्चा जब रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती, माँ भी सोचती है कि बच्चा ठीक ठाक है, लेकिन बच्चे को अर्थात मुख्यमंत्री को जाना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारा, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का ही मुख्यमंत्री सरकार का क्यों जाए, क्यों नहीं बघेल साहब जाएंगे, क्यों नहीं हिमाचल वाले वो मुख्यमंत्री जाएंगे ही जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है जो इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जो सरकार की एक योजना है बहुत बड़ी जैसे अभी यूपी में हुई है, ऐसी कुछ योजनाओं पे वो बात करने गए हैं, बात करनी चाहिए, उन्हें करी होगी। चार धाम यात्रा में जो किस कमियां रह गई हैं प्रधानमंत्री के नॉलेज में आ रही है, कुछ कमियां तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे अभी भी शेड नहीं बने हैं जहां पर लोग पैदल चल रहे हैं वहां पर शेड नहीं बने हैं, तो इस टाइप की कमियों को प्रधानमंत्री ने भी उनको कहा होगा कि भाई इनको सही करो जो भी कुछ करो, क्योंकि प्रधानमंत्री का लगाव तो केदारनाथ और भोले बाबा पे है ही, इसमें तो कोई शक नहीं कर सकता, चाहे विपक्षी इसमें कुछ भी नाटक समझे, लेकिन आम जनता को पता है कि प्रधानमंत्री का के भोले बाबा पे बड़ी उनकी आस्था है, ठीक वो उसके प्रति बड़ा सजग रहते हैं, ठीक तो है, ये ठीक सब बातें हैं। विपक्ष का काम अपना सही है, वो तो कमियां नहीं निकालेंगे तो कांग्रेस भाजपा कैसे ठीक करेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। गिरधर जी अभी विपिन जी के पास चलते हैं, विपिन जी आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। विपिन जी अभी देखिए गिरधर जी ने कहा कि मुलाकातें तो होती हैं, वो मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, आज उन्हीं की पार्टी का है, कल अगर दूसरी पार्टी का होगा तो वो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। बात मुलाकातों की नहीं है, ये मुलाकातें क्योंकि ये दिखाई जा रही है कि प्रदेश के लिए हो रही है, ऐसा तो नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग थी, वो राजनीतिक चर्चा हो रही थी किसी चीज को लेकर, पार्टी को लेकर चर्चा हो रही थी। अगर प्रदेश के लिए चर्चा हो रही है तो फिर इसमें सवाल उठाना क्यों आप लोगों को इतनी जल्दी जल्दबाजी है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्या पता प्रदेश का भला हो जाए। गरिमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुलाकातें क्यों हुई हैं और मुलाकातें किस लिए हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, ये नहीं पता, ये तो हमने अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना। एक छोटा सा मेरे को कहानी याद आ रही है, एक जंगल में, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, एक जंगल में जो है शेर राजा था, लेकिन जंगल के जो और जानवर थे उन्होंने कहा कि भाई आज बंदर को हम राजा बनाते हैं, तो बंदर को राजा बना दिया। अब एक छोटी सी गिलहरी गई बंदर के पास कि राजा साहब मेरा बच्चा खो गया है, तो बंदर ने कहा अच्छा बच्चा खो गया, तो वो बंदर कभी इस पेड़ पे छलांग मारता है, कभी उस पेड़ पे छलांग मारता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन वो बच्चा तो मिलता नहीं क्योंकि बंदर ने कुछ किया तो है नहीं। अब गिलहरी कहती है राजा जी बच्चा तो मेरा मिला नहीं, वो कहता है कि देखो भाई बच्चा मिला या नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन मैंने प्रयास कितना किया ये महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है कि आप दिल्ली जाएं, कलकत्ता जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रदेश की जनता को क्या मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बहुत से अभी चीजें गिनवाई हैं कि, और उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज तक गैरसैंण का विकास प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है। आज तक ये जो आपका जोशीमठ की घटना हुई है उसका जो है निस्तारण सरकार नहीं कर पाई है, केंद्र से जोशीमठ का बजट अब तक पास नहीं हो पाया है, ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र है। ये केवल किस कौन सा हिसाब देने और कौन सा हिसाब लेने दिल्ली जाते हैं, जनता को तो देखिए वीआईपी मुलाकात है, जनता को तो केवल अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री जी को गुलदस्ता दे रहे हैं, उन्होंने बंद कमरे में क्या बात करी, ये तो केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे वो जो बोलते हैं मीडिया के सामने, मीडिया वही चीज बताती है। उन्होंने कहा 1,000 करोड़ रुपए की हमने डिमांड करी है, अब 1,000 करोड़ की डिमांड आपने करी है, जोशीमठ की डिमांड तो अभी आपकी पूरी नहीं हुई, केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट कम कर दिया,
जब केंद्र सरकार के पास ही पैसा नहीं है तो वो आपको आपका भला कहां से करेंगे। तो ये केवल और केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एकमात्र षड्यंत्र है। उसके उसमें चाहे धामी जी हो, चाहे उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, चाहे इसमें तीरथ सिंह रावत जी हो, चाहे निशंक जी रहे हो, ये मुलाकातों का दौर पिछले 20-22 साल से लगातार चल रहा है। चाहे इसमें कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, ये दिल्ली की दौड़, अब ये दिल्ली की दौड़ मंत्री बनाने के लिए है, कैबिनेट यहाँ पर, यहां तक कि यहाँ उत्तराखंड का इतना बुरा हाल है कि अगर एक फाइल पर भी फैसला मुख्यमंत्री को लेना होता है तो भी वो दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। तो इतना बुरा हाल उत्तराखंड का है। तो मेरा मानना यह है स्पष्ट तौर से कि केवल और केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एकमात्र षड्यंत्र है, क्योंकि आज तक स्मार्ट सिटी ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको ही अब तक ये पूरा नहीं कर पाए। कितने सीईओ बदल गए, कितने अधिकारी बदल गए, कितना कार्यकाल बढ़ा दिया गया, अभी एक साल और बढ़ा दिया गया, आज की रिपोर्ट है, मैंने अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा। तो जब ये अपनी राजधानी में ही डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य जगहों पर शहर बसाने का मुझे लगता है ये केवल और केवल प्रदेश की जनता ठीक है। यानी आपको भी लग रहा है कि ये कहीं ये इन मुलाकातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। यश जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद संजीव जी के पास जाएंगे, आखिर प्रतिक्रिया संजीव जी की होगी। यश जी, अभी उन्होंने भी कहा कि देखिए मुलाकात पहले उनकी ले लीजिए या तो प्लीज पहले उनकी ले लीजिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पहले उनकी प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, पहले यश जी आप जवाब देंगे, उसके बाद हम सभी के सवालों का जवाब संजीव जी से लेंगे, वो सत्ता पक्ष की ओर से हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं, तो इसलिए वो सबके सवालों का जवाब देंगे। और ये सवाल सिर्फ विपक्षियों के नहीं है संजीव जी, ये जनता के सवाल हैं जो विपक्षी उठाते हैं, मुझे लगता है इस बात को भी आपको समझना चाहिए। खैर यश जी, देखिए अभी विपिन जी ने बड़ी अहम बातें की, उन्होंने कहा कि मुलाकातें हो रही हैं, प्रयास भी हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे पहले मुद्दे हैं जैसे जोशीमठ को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक उसकी मांग पूरी नहीं हुई। आप लोग भी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पहले नहीं लगता कि आप लोगों को कहना चाहिए कि इन सारी जरूरतों को पूरा किया जाए, उसके बाद हम नई चीजों को लेकर बात करें? और अगर मुलाकातें हो रही हैं तो डिमांड के लिए ही तो हो रही होंगी। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास की बात क्यों नहीं करेंगे प्रधानमंत्री से, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और दूसरी बात, अगर मुलाकातें हुई हैं तो इन मुलाकातों के कोई तो मायने होंगे ना, अगर पॉलिटिकल मीटिंग है तो वो एक पार्टी के हैं, वो भी कर सकते हैं। बाकी क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ होता है केंद्र की ओर से ही होता है, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया गया है, क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी इस वक्त पर अपनी कुर्सी बचाने की बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल पूरे पूर्ण रूप से उनकी कुर्सी जो है हड़पना चाहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल हो गया उनसे वरिष्ठ और वो हो गए सबसे ज्यादा युवा। और रही बात कि यश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, अगर ऐसा होता तो पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा विश्वास थोड़ी ना जताया होता, खुद प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास जताया है, ये तो आप सब जानते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तब हमने देखा था ना कि किस तरह से विश्वास पुष्कर सिंह धामी पर ही जताया गया, वो चाहते तो किसी और को बना सकते थे मुख्यमंत्री। तो ऐसे में आपको लग रहा है, अगर आप विपक्षी से हटकर भी अगर सोचिए, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब खुद उन पर विश्वास जता रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये बात कहां से उठ गई कि पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी खतरे में है? हाँ जी, आपने बहुत सही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उन पर दोबारा विश्वास किया है और यही तो फसाद की जड़ है। अच्छा। इसी के ऊपर तो पूरा की पूरी फसाद है। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ग्राउंड रियलिटी तो कुछ पता नहीं है, उत्तराखंड तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैदान है। एक बार तो ऐसा भी वाकया हुआ था गरिमा जी, कुछ साल पहले लोकसभा चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री जी आए थे और अपने ही मंच पर बैठे हुए एक नेता को उन्होंने जो है ताना मार दिया, और वो इस अज्ञानता में थे, इस अभाव में थे जानकारी के, कि जिस नेता को वो ताने दे रहे हैं वो नेता उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुका है। तो ये वाकया भी देख लिया और ये प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से समझा है कि भाई किस तरह से प्रधानमंत्री जी यहाँ की ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप पैकेजेस जो मान रहे हैं उनको थोड़ा सा हॉल्ट कीजिए, मान क्योंकि वो तो वैसे देना नहीं है, लेकिन सबसे पहले जोशीमठ का तो आप उसके लिए तो पैकेज मांगिए, जो आपके इतने लंबे समय से लंबित चल रहे हैं पैकेजेस उनको तो पूरे रूप से अपने आप प्राप्त कीजिए। और रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बदतमीजी का सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं, चाहे जो पकड़ा रहे हैं, 3 दिन से लगातार आप डिबेट्स पर बैठ रहे हैं, अगर आपको पता चल जाता कि मैं बैठने वाला तो आप बैठते क्यों हैं? और रही बात ये कि आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं, हम आपका इतना व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे आइए ना, यहाँ पर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है आप सब वरिष्ठ लोग हैं और आप लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए प्लीज। यश जी आप अपनी बात पूरी करिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी हैं,
नहीं नहीं मेरे मुझे कोई बुरा नहीं लगता, वरिष्ठ हैं वर्मा जी हमारे, मैं तो उनकी बात को, वो तो जो मुझे बोलते हैं मैं तो स्वीकार कर लेता हूं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, वक्त बताएगा किसी को, हम कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन बात यह है कि देखिए जिनके वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी आज सड़कों पर लड़ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिल्कुल हमने तस्वीरें दिखाई, वीडियो अगर आपने देखी हो तो माननीय प्रवक्ता जी ने तो वैसा कुछ किया ही नहीं, मेरे तो इनसे काफी सम्मान है, कल को क्या पता कोई लाइव डिबेट में हो मुझ पर ऐसे करें, अभी तो हम प्लीज वीडियो में प्लीज यश जी, प्लीज यश जी प्लीज, इस तरह की बातें यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करिए, अभी आप भी इधर उधर मत जाइए। देखिए बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कुर्सी कुर्सी आज है कल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ जनता की बात कीजिए, स्मार्ट सिटी आप बनाइए, लेकिन आप सबसे पहले जिन स्मार्ट सिटी को आपने खस्ता हाल सिटी बना दिया उन्हें तो पूरा कीजिए ना, उसके बाद किसी तीसरे शहर की बात कीजिए। ठीक है, आप संजीव जी से, आप संजीव जी की राय जानते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप संजीव जी को सुनते हैं। संजीव जी आपने सुनी लिया कि आपके जो विपक्षी वो लगातार मुलाकातों के कोई मायने नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी निकल कर सामने आई वो यश जी ने कही कि अभी आप कह रहे थे कि आपके पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह है, प्रीतम सिंह हरीश रावत आपने नाम भी ले लिया कि इस तरह की चीज़ें हैं, आप अपनी लड़ाई से नहीं निकल पाते, अब यश जी ने भी कुछ ऐसा ही आरोप आप पर लगा दिया है कि मंत्रिमंडल ही आपका पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी छीनना चाहता है, यानी बात तो वही हो गई ना कि कहीं ना कहीं जिस अंतर्कलह के बात आप कांग्रेस में कर रहे थे वो बीजेपी में भी है, क्या यही वजह है कि बार बार दिल्ली जाना पड़ता है धामी जी को? गरिमा जी देखिए विपक्ष का काम केवल और केवल झूठ बोलना, केवल और केवल आरोप लगाना और जनता को एक तरह से गुमराह करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बात रही माननीय मुख्यमंत्री, अभी ऐसी बातें करेंगे तो इन्हें कौन नहीं टोकेगा बताइए, इस तरीके का झूठ बोलेंगे ये तो इन्हें कौन नहीं टोकेगा? प्लीज यश जी बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए, अभी अभी आरोप प्रत्यारोप ना कांग्रेस छोड़ती है ना बीजेपी छोड़ती है, आप सब एक दूसरे पर लगाते हैं, तो इस तरह से अगर सुना नहीं जाएगा तो फिर डिबेट आगे नहीं बढ़ती। प्लीज यश जी, प्लीज यश जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोले, कौन एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाता राजनीति में, कोई ये कह दे कि आरोप नहीं लगाए जाते तो गलत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, प्लीज। और देखिए संजीव जी आप भी ये बात ध्यान रखिए कि विपक्ष में कहीं पर किसी राज्य में आप भी बैठे हैं तो विपक्षी झूठ बोलने के लिए नहीं होते, विपक्षियों का काम होता है मुद्दे उठाना, जनता की बात उठाना, कमियां निकालना, वो करेंगे वो करेंगे। आप जब कहते हैं कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में कलह है तब आपको नहीं लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं? तब आपको नहीं लगता आज उन्होंने कह दिया कि मंत्रिमंडल और पुष्कर सिंह धामी के बीच में जिरह है तो आपको क्यों बुरा लग गया? हाँ मैं आपको मैं उनको रोक रही हूँ इस बात के लिए, मैं उनको रोक रही हूँ कि प्लीज ठीक है जल्दी से समय कम है। संजीव जी आप बोलिए, संजीव जी आप बोलिए, वो बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए गरिमा जी। देखिए हाँ चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे अन्य किसी राज्य की बात हो, जो मुख्यमंत्री होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री विकास योजनाओं को लेकर जाते हैं, अपनी अपनी मांगों को रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको पूर्ण करने का काम करते हैं। उसके लिए बजट की कैसे व्यवस्था करनी है और कैसे प्रदेश के जो योजना परियोजना है उनको आगे बढ़ाना है और इसी काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रखे हैं। और अभी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कल 3 तारीख है और कल 3 तारीख में जोशीमठ को लेकर एक बड़ी बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की होने वाली है, जिसमें जोशीमठ के लिए मैं सोचता हूँ कोई बड़ा पैकेज या उससे संबंधित कोई भी इस तरह की बात होने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इस बैठक में भी मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि आपको जोशीमठ के लिए जो भी साधन संसाधन जो भी आवश्यकता है केंद्र की ओर से उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी और जो भी आपकी डिमांड है उसको पूरी तरह फुलफिल किया जाएगा, चाहे पुनर्वास के मामला हो चाहे वहां के कुछ भी रिडेवलपमेंट करने का कार्य हो। और गरिमा जी देखिए बात रही उत्तराखंड के विकास की, तो मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली थी कि हमारा भी जो 2023-22 का चुनाव हुआ था
हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गए थे, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया 2017 के बाद, जबकि उत्तराखंड का एक मिथक है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, हमने विकास किया, हमने डेवलपमेंट किया तो, और जनता ने उसको सराहा, एक बार पुनः हमको आशीर्वाद दिया। लेकिन सर, जनता ही सवाल आपको आशीर्वाद दिया, आप पर विश्वास जताया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में भी तो सवाल उठ रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए उठते हैं वैसे ही आपके लिए उठ रहे हैं। अब जैसे जोशीमठ में इतनी सारी समस्याएं हुई तो जनता आपसे ही आस लगा कर बैठी है और वो चाहती है कि पहले आप उसको सुधारें, ना कि नए शहरों पर पहले से ध्यान दिया जाए। गरिमा जी देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था जोशीमठ में आज स्थिति लगभग सामान्य की ओर बढ़ चुकी है, और जो भी डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट का वहां पे काम होना है वो भी साथ साथ हो रहा है, और जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उनके पुनर्वास के लिए यानी इन मुलाकातों से कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में प्रदेश का भला होगा, प्रदेश का फायदा होगा, और सिर्फ उसमें बीजेपी के लोग नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग शामिल होंगे। यश जी, वक्त की कभी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, पीएम सीएम की मुलाकात, लेकिन कितना फायदा इन मुलाकातों के बाद प्रदेश की जनता को होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल